अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में हम ड्राइव करेंगे बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा। यहाँ पर बीटा कोफिशेंट है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का और अल्फ़ा कोफिशेंट है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। इस इक्वेशन से क्लियर है कि बीटा यानी कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इज़ 3 टाइम्स द कोफिशेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और आज हम ये ड्राइव करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इस रिलेशन को ड्राइव करने से पहले हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है और उसको हीट किया जाता है, और जब उस क्यूब को हीट किया जाएगा तो उसकी लेंथ में, ब्रेथ में और थिकनेस में इजाफा होगा। तो हम सपोज़ करते हैं कि डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, डेल्टा बी चेंज इन ब्रेथ है और डेल्टा टी चेंज इन थिकनेस है ऑफ अ क्यूब ऑन हीटिंग। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर, जब हम टोटल लेंथ निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है L2 इज़ इक्वल टू L1 ब्रेकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। इसी तरह चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो या थिकनेस हो, है तो एक तरह की लेंथ ही, इसलिए हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को अगर हम लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस के लिहाज से लिखें तो 3 इक्वेशन बना सकते हैं हम। तो पहली इक्वेशन हमारे पास हो गई L2 इज़ इक्वल टू L1 ब्रेकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो गई ब्रेथ के लिहाज से B2 इज़ इक्वल टू B1 ब्रेकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास थिकनेस के लिहाज से हो गई T2 इज़ इक्वल टू T1 ब्रेकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अगर हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें इस तरह से कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दें और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी। जैसे L2 B2 T2 ये हमारा आएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास आएगा L1 B1 T1। और यहाँ पर तीनों ब्रैकेट सेम है, तो लिहाजा बेस अगर सेम हो तो पावर सेड होती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा राइट हैंड साइड पर L1 B1 T1 और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का होल क्यूब। जैसा कि आपने मैथ के अंदर फार्मूला पढ़ा है a+b का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a³ + b³ + 3a² + 3ab², तो लिहाजा ऊपर वाली इक्वेशन में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का होल क्यूब के ऊपर ये a+b का होल क्यूब का फार्मूला लग रहा है। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 1 है और b की वैल्यू अल्फ़ा डेल्टा टी है, लिहाजा हम ये 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का होल क्यूब का फार्मूला अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी L2 B2 T2 लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा इज़ इक्वल टू L1 B1 T1 सेम रहेगा, ब्रैकेट लगाते हैं a का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी अल्फ़ा डेल्टा टी का होल क्यूब प्लस 3 फार्मूले का आ गया a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर b यानी अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस फार्मूले से आ गया 3 फार्मूले से आ गया a की वैल्यू 1 है ब्रैकेट में पुट कर देते हैं और b का स्क्वायर यानी अल्फ़ा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी L2 B2 T2 इज़ इक्वल टू L1 B1 T1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है कि जब हम क्यूब को हीट करेंगे तो चेंज थोड़ा सा आएगा, लिहाजा हम हायर ऑर्डर टर्म्स यानी स्क्वायर वाले टर्म्स और क्यूब वाले टर्म्स को जीरो कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा L2 B2 T2 इज़ इक्वल टू L1 B1 T1 ब्रैकेट में 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। जैसा कि हमें ये बात पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो यहाँ पर वॉल्यूम बराबर है यानी V2 बराबर है L2 B2 T2 के और V1 बराबर है L1 B1 T1। तो जहाँ जहाँ पर L2 B2 T2 आया वहाँ पर हम V2 पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ पर L1 B1 T1 आया ऊपर वाली इक्वेशन में तो वहाँ पर हम V1 पुट करेंगे। तो इसका मतलब कि ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी V2 इज़ इक्वल टू V1 ब्रेकेट 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। V1 को अगर हम राइट हैंड साइड पर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर आएगा V2 इज़ इक्वल टू V1 + 3 अल्फ़ा V1 डेल्टा टी। V1 राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी V2 - V1 इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा V1 डेल्टा टी। जैसा कि हमें पता है कि V2 - V1 बराबर होता है डेल्टा वी के, और डेल्टा वी हमारे पास बराबर होता है β V1 डेल्टा टी के। तो पहले हम जहाँ जहाँ पर V2 - V1 आया है वहाँ पर हम डेल्टा वी पुट करेंगे और फिर डेल्टा वी की वैल्यू पुट करेंगे β V1 डेल्टा टी, और ये हमने पढ़ा था वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Δv इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा V1 डेल्टा टी। तो डेल्टा वी जैसा कि बराबर है β V1 डेल्टा टी के, तो हम डेल्टा वी की जगह पुट करेंगे β V1 डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा V1 डेल्टा टी। तो V1 और डेल्टा टी राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।